इनफैक्ट दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा, इतना पूरा 100% श्योर है। भालो तो दोस्तों ऐसी है कि करो या मरो वाली, अब आप लोगों के ऊपर है यार। जो लोग आप करोगे, जो डिसीजन आपका होगा वही होगा। तो आप लोगों से झूठ कहा, इसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों से मैं यार माफी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। हेलो वंस अगेन, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज इस तरह का मौसम भाई ऊपर हो रखा है ना, मेरे को लगता है कि कहीं बारिश ना हो जाए भाई, और बारिश होगी तो ऊपर से स्नोफॉल गिरने वाले दिन आ गए हैं। तो ऐसे में अगर आपको होमस्टे की बुकिंग करनी है तो लिंक आपको ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज सुबह सुबह वैसे ये दो लोग जा रहे हैं। शिव मर्शियो जा रहा है, बाय गड्डू मामा को। कितनी प्यारी लग रही है देखो, बाय बाय गड्डू, बाय 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 बाय, कैसे देखती रहती है। अभी कब आओगे वापस? अब पता नहीं, कोई भी पता। करना भी क्या है वहाँ पे जाके, है कोई वहाँ पे घर में? दीदी है ना वो, जीजा कहाँ आते हैं आजकल? जीजा तो दुकान चले आते हैं। चलो फिर ठीक। और भाई अपने की फोटोग्राफी देखो, क्या फोटोग्राफी करी है मैंने, देखो। थैंक यू बोलो, और 50 रुपए एक फोटो भेजने के, ठीक है। मम्मी भी जा रही है, ठीक है, बाय बाय। मम्मी को थोड़े दिन बैठाए रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मम्मी के बैठने पड़ेगा, देखो मौसम कितना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मम्मी आराम से आना आप, ठीक है, आराम से। मैं और रिया ठीक है यहाँ पे ना। मम्मी बैठ गए तो भूखे मरेंगे आप। क्यों? अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ सब कुछ, है ना। खाना नहीं बनेगा, कोई नहीं कोई नहीं। चलो ठीक है फिर, बाय हो, बाय 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 बाय। तो अभी दोस्तों मैं रूम में जस्ट बैठा ही हुआ था, और यहाँ पे घर में कोई भी नहीं था उतने में। देखो जारी भाई कल चले गए थे। जारी भाई हेलो, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई। तो भाई वापस आ गए, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक्चुअली एक गाना करने वाले लोकल में। तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो जारी भाई ने आते स्पीकर हाथ में पकड़ लिया, मतलब काफी लंबे टाइम से आए हुए, वैसे चाय वाय पी ली अभी। एंड अभी हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ गा के मतलब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कोई ऐसा सॉन्ग गाते हैं जो आने वाले टाइम में हम कर सकते हैं ना। तो कोई कॉपी मत करना यार, ठीक है? कॉपी क्या, वैसे हम भी अपने वही गाने गाते हैं, मतलब अभी की डेट में तो मैं तो वही गा रहा हूँ। अब जारी भाई के तो खुद के होते हैं मतलब लिखे हुए, बट जो हमारे पुराने होते हैं ना कल्चर में, जो पुराने हमारे पूर्वजों ने गाए थे आई थिंक ना, उन चीजों को, तो उन्हीं चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करके और उन्हीं के वे में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आज से 150 साल पुराने लोग किस तरह से गाते थे, और वही चीज हम आपके सामने यहाँ पे अभी करके दिखाएंगे। म्यूजिक का क्या कर रहे हैं कि जो पुराने वाला गाना है ना उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, और उसी की बीट जो वो बार बार यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा कि किस तरह के हमारे पुराने जो कल्चर के लोग थे ना वो इंजॉय करते थे। बट दोस्तों अभी जो है ना यहाँ पे एक इंस्टेंट कॉल आया, जिसके से सच बताऊँ तो मेरे को ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ी, क्योंकि भाई जो कॉल है वो काफ़ी हद तक सीरियस न्यूज़ है आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे चंबा की एक बेटी है, ठीक है, जिसका नाम है प्रतीक्षा, और दोस्तों इसको ना बोन कैंसर है, और ये 4th स्टेज पे मतलब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। और मैंने खुद से भी वेरीफाई किया भाई, मैंने इस लड़की को रेल में भी देखा है, जब मैंने मतलब वेरीफिकेशन के लिए कॉल करा था तब मुझे पता चला।
था, एक्चुअली जब मैं फोटो देख रहा था तो मेरी तो पहचान में आ पाना मुश्किल थी, क्योंकि भाई जब मैंने रेल में देखा था उस टाइम पे कुछ अलग ही था और अभी तो कुछ अलग ही है। तो इसके फादर जो है ना वो एक्चुअल में दोस्तों टेलर का काम करते हैं। तो आप चंबा में मतलब इनकी जो पोस्ट है सभी लोग डोनेट कर रहे हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं इसी अगर आप चंबा में से हो तो, ठीक है। तो मैं आपको सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इनका गूगल पे का नंबर भी और साथ में गूगल पे इनकी मतलब रिलेटिव का है किसी का, ठीक है, जो कि इनके ही वहाँ पे हॉस्पिटल में रह रहे हैं, इनके सिस्टर हैं, और साथ में जो बैंक का नंबर है वो उनका है। तो आप डोनेशन कर सकते हैं यार दोस्तों, देखो मतलब कर दो यार, इतना ही बोल सकता हूँ मैं तो। अभी इस केस की कुछ इस तरह की हालत है यार, अब करो या मरो वाली सिचुएशन है, तो आप लोग ही कुछ करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं यार, क्योंकि आपको पता है गरीब लोग हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ऐसे में किसी और के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है, आपको पता है ऐसे नहीं मांगता हूँ कभी भी कि भाई मुझे ये दो वो दो, क्योंकि आपको पता है मैं ऊपर जाऊँ या डाउन जाऊँ हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं जीरो से हमेशा स्टार्टअप कर सकता हूँ, ठीक है, ये कैसे कर सकता हूँ आगे मैं आपको बताऊँगा, बट कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे दो, बट मैं जब दूसरों के लिए मांगता हूँ तो ज़रूर से यार, ठीक है। एक बार मैं बार बार इसी चीज़ के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि जितना भी हो सकता है ना आपसे 5, 10, 20, 30 वो पक्का से डोनेट करना यार, ठीक है। तो अभी ना दोस्तों मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है कि आप लोगों के साथ भी झूठ बोला यार, जिसको लेकर आपको सॉरी करना है, बट चलो अभी पहले सबसे पहले बस को कैप्चर करते हैं, उसमें से कुछ सामान आ रहा। तो अभी भाई बस से सामान लेके वापस आ गया हूँ, एंड यार सबसे पहले तो आप लोगों से झूठ कहा, इसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों से मैं यार माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। और क्यों क्या झूठ बोला वो सच बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में मैंने ना किसी के भी अभी तक जो मैंने ऑर्डर लिए थे वो पार्सल नहीं करे हैं, कुछ लोगों के चुक्की पार्सल करी थी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैंने सोचा था कि नॉर्मल वाले लिफाफे में भेज दूंगा, बट दोस्तों नॉर्मल वाले लिफाफे में आपको पता है लिफाफे फट जाते कहीं पर तो फिर नुकसान हो जाता। आप लोग भी बोलते हैं यार कि हमने 100, 200, 300 खर्च के जो भी दाल मंगाई है क्या बेकार दाल बंदे ना, तो फिर ऐसे में दोस्तों ना चाहते हुए भी मैंने क्या कराया कि अमेजोन से मैंने नए लिफाफे ऑर्डर करे थे, करण भाई दिखाना, ठीक है। तो अभी क्या है ना कुछ इस तरह से अपने ये पूरे बॉक्सेस आ गए हैं, ठीक है, और भाई इनके अंदर क्या है कि ये द्वारा भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब एक बार निकाल दो एक चीज ना मैं आपको बता ही देता हूँ मतलब किस तरह की पैकिंग में रखने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ दोस्तों अगर पैकिंग प्रोडक्ट में इतना दम है आपको पता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रुक के रखा था। तो जिन भी लोगों के अभी पार्सल नहीं आए हैं ना दोस्तों, यकीन मानो कि स्पीड पोस्ट से आने वाले वो फटाफट आपके पार्सल अभी 72 आवर्स में आपके पास पहुंच जाएंगे, एंड नेक्स्ट टाइम आप जो भी चीज़ ऑर्डर करोगे ना वो कभी भी डिले नहीं होगी, ये बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम था इसलिए माफ़ करना, इसलिए माफ़ी मांग रहा था। तो देखो अब की बार कुछ इस तरह का मंगाया है जो कि फटने का बिल्कुल डर नहीं है, इसके अंदर फुल ये पैकिंग पुकिंग लगी हुई है, ठीक है। तो पैकिंग के अंदर पूरा ये सील पैक करके और फिर भाई जैसे मर्जी कोई फेंक दे हमारा बिल्कुल भी प्रोडक्ट दाल इससे निकलने नहीं वाली। तो भाई मतलब सॉरी यार थोड़ा सा झूठ बोलना। देखो यार एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप लोग बात करते रहते हो और ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। अब देखो लोग बोलते रहते हैं कि भाई आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, 30,000, 20,000 व्यूज़ इतने ही आ रहे हैं। सच बताऊं दोस्तों तो मैं भी इतना थक चुका हूं कि अब मेरा मन भी करता है कि यूट्यूब को छोड़ दूं। इनफैक्ट दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा, इतना पूरा 100% श्योर है। अब दोस्तों ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूं और अगर इससे बचना है तो क्या कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या है ना दोस्तों कि अब मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी मेहनत कर लो, इस चैनल के ऊपर मैं जितना भी दिन रात एक कर लूं, बट ये चैनल कभी भी बूस्ट नहीं होगा, इस पे व्यूज नहीं आएंगे। इसके पीछे का रीजन यूट्यूब ने मुझे मेल करके बता दिया था कि आपके यूट्यूब चैनल से बहुत सारे वीडियोस जो है वो डिलीटेड हुए हैं, ठीक है। अब वीडियो दोस्तों आपको पता है मैंने 100 से ऊपर वीडियोस डिलीट किए हैं। तो देखो होता क्या है कि यूट्यूब खुद बताता है कि आपके जो सारे चैनल के ऑल ओवर वीडियोस होते हैं ना उनकी एक परफॉर्मेंस होती है कि उन सारे वीडियोस को कितने घंटे देखा गया है, वॉच टाइम जिसको बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब आधी वीडियो हटा दी तो यूट्यूब के पास जो है ना दोस्तों वॉच टाइम डिलीट हो जाता है, बट वो मतलब समझ रहे हो ना पूरा ऑल ओवर बन नहीं पाता है बैलेंस। फिर ऐसे में आप मेरे को जो वीडियो चाहिए ना दोस्तों, मतलब जब मैं नए चैनल पे अपलोड करूंगा वहां पे जिनकी रीच लाखों में इजी चली जाएगी, वहां पे ही दोस्तों इस चैनल पे मुझे वैसे कंटेंट लाने के लिए कम से कम 80% ऑडियंस रिटेंशन चाहिए, मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे को दोस्तों हालातों को सोचते हुए मैंने जो है ना अभी एक नया चैनल बनाया है हिमाचल वाला 2.0। एंड दोस्तों एक न्यूज ये भी है कि आप जो ये व्लॉग देख रहे हो इस व्लॉग को मैं कहीं और जगह भी अपलोड कर चुका हूं, तो वो उस चैनल के ऊपर पहले अपलोड कर चुका हूं। देखो इस वाले चैनल को क्विट नहीं करेंगे, बट यहां तक आपने वीडियो देखी है तो मुझे पता है आप जरूर से सपोर्ट करेंगे। तो अभी जाओ हिमाचल वाला 2.0 को सपोर्ट करो, उसको सब्सक्राइब करो, तो दोस्तों वहां पे आपको जो डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे ताकि हमारा जो ये स्टक सा हुआ पड़ा है इस चैनल के ऊपर सारा का सारी चीजें वो थोड़ा बंद हो जाए, ठीक है। तो जाओ भाई, ठीक है, आई होप आप सपोर्ट करोगे। और इसीलिए मैंने प्रमोशन बिल्कुल वीडियो के एंड में करी क्योंकि भाई मुझे
जो स्टार्ट में देख के वीडियो को स्किप कर जाते हैं ना, वो लोग नहीं भाई, आप लोग हो सच्चे फैन। तो जाओ एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करो। तो यार अपनी पूरी स्टोरी तो बता दिया, पता नहीं आप में से कितने लोग अभी नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा ये सफर रहेगा, क्योंकि फिर से सारी चीजें दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दोस्तों कि नेवर गिव अप और हमेशा मेहनत करते रहो। फिलहाल अभी आप देख सकते हो, जितने भी भाई आप देख सकते हो, आप ना अब लग रहा है ना भाई, देखो अब ऐसे है ना, तसल्ली आ रही है ना, अब मान के चलो ऐसे फेंकने दो पार्सल वालों को, फेंको भाई कोई चक्कर ही नहीं है ना, फेंको। मेरे को पता है कि अब जो है ना आप तक जो ये प्रोडक्ट पहुंचेगा भाई, ये बहुत ही सॉलिड तरीके से पहुंचेगा, बस इसके ऊपर लोगो लगना बाकी है। बाकी जितने भी लोगों ने ऑर्डर करे, देखो हेलो लेबर गैंग, हाय कैसे हो, तो पूरे के पूरे सब लोग, जब फैमिली में सब लोग सपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो वही बढ़िया होता है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। कोई अखरोट, कोई अखरोट तो चेक करवा दो ऐसे क्वालिटी के लिए। वो देखो ये देख, बरकत देखो कैसे फाड़ रहे। चलो ये कोई भी अखरोट फाड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे ना लगे आप लोगों को कि कई भाई नकली देते हैं चीज़ें। हाँ देखो भाई, और इतना मतलब मस्त गिरी निकलती है ना कि क्या ही बोले दोस्तों, आप देख ही सकते हो, ठीक है, कोई भी नकली चीज़ है ही नहीं। रिया एक तोड़ के दिखा, तोड़ के दिखा, खा के दिखा, ये देखो भाई, ठीक है, इस तरह के हैं प्रॉपरली हमारे अखरोट, ठीक है। और बीच बीच में कोई ऐसा डाल दी, खराब तो नहीं डाले हैं बीच में, नहीं डाले ना दोस्तों, पैकिंग ये कर रहे हैं, बीच बीच में कोई आ भी जाए हल्का फुल्का, किसी में कोई छेद वगैरह हो तो माफ करना, क्योंकि आपको पता है ये पैकर नहीं है भाई सारे। और पैकिंग होगी कंप्लीट, एंड ना एक बड़ा अजीब सा नशा हो जाता है जब आप अखरोट खाते हो ड्राई फ्रूट ना, एक अखरोट खाने के बाद भाई मैं इतना अखरोट खा रहा था ना, इधर मेरी दाढ़ी वाड़ी में फंस गया अखरोट, आपने देखा होगा लास्ट में इधर फंस रखा था। और मुझे पता है बहुत से लोगों को मेरी दाढ़ी मुझे पसंद भी नहीं आती, लोग बोलते हैं कटवाता क्यों नहीं भाई। अब की बार मैंने सोचा है भाई, मतलब लाइफ में ना सब लुक देखने हैं, टैटो के साथ भी सब चीजें, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार होती है ना यार। तो मेरे हिसाब से जो भी मन करता है वो करना। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा से बालों की निंदा बढ़ा के देखूंगा, देखता कैसे लगता हूँ, कोई नहीं लड़की की तरह ना लगूं बस, ठीक है, या कुछ ना कुछ करके देखूंगा, मतलब समझ रहे हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि भाई देखो मेरे को दाढ़ी आ रही है इतनी इतनी, भाई 29 साल का लगभग हो गया हूं, एंड अभी तक देख लो दाढ़ी की क्या हालत है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी यार स्ट्रगल चल ही रहा है लाइफ से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लड़की को डोनेशन कर देना, साथ ही साथ मैं सपोर्ट करना भाई को। आगे आपसे मिलते रहेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।